महात्मा गांधी चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में विस्तार से समझाइश की गई एवं जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें बताया गया कि किस तरह से माता के दूध का महत्व होता है। ये हमारे जो ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने इनसे भी हमने पोस्टर कंपटीशन और क्वेश्चनरी क्विज कंपटीशन वगैरह हमने किए थे और कम्युनिटी विजिट भी कल इन्होंने किया। हमारी जो स्तनपान प्रबंधन केंद्र की जो काउंसलर हैं उन्होंने कम्युनिटी में ये अवेयरनेस लाने के लिए ये लोग कम्युनिटी में कल गए थे और उनके साथ डॉक्टर साहब भी थे और इसका मकसद ये होता है इस जो प्रोग्राम होता है उसका कि लोगों में ये ओरिएंटेशन लोगों में ये अवेयरनेस आए कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और डिलीवरी के तुरंत बाद जो पीला गाढ़ा दूध होता है कोलेस्ट्रॉम जिसे हम कहते हैं वो पिलाना कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारा हमारा था और यहाँ पर हम जो डिलीवरीज होती हैं उन लेडीज़ को हमारी ये काउंसलर जाके मोटिवेट करती हैं, वो यहाँ पर अपना दूध डोनेट करती हैं और वो यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है और जिनको भी आवश्यकता होती है उन्हें वो दूध प्रोवाइड किया जाता है। पीएमओ सर और हमारे छोड़ी करती हूँ कि इन्होंने इस कोरोना काल में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर अभी रोमिल सर को दे दिया गया है तो इससे का फुल फॉर्म होता है लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर मतलब रोशनी बोज अंतिम राठौर ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ था थर्ड आए थे जयश्री राठौर कॉम्पिटिशन कल हुआ था उसमें खुशबू इंदौर फर्स्ट आई इसमें हमारा पूरा डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स कोर्डिनेटिक डिपार्टमेंट स्टेशन है सभी नर्सिंग छात्राएं और हमारा काफ़ी स्टाफ भी मौजूद रहता है पर इस बार क्या कोरोना के कारण हमने बहुत शॉर्ट बनाया है। ने के उद्देश्य से आने वाली सभी माताओं को स्तनपान हेतु सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ ना चाहूँगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है आप लोग मेरे से ज़्यादा ही जानकारी रखते हैं इसके ऊपर बट मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन हैं। जैसे एक तो ये सेंटर इस सेंटर पे पहली बार जब राजस्थान बाल आयोग की जो चेयरमैन है वो आई थी उनके साथ आना हुआ था तो सब जो और वो मैं कहना चाहूँगा कि सरप्राइज विजिट ही था एक तरह से ऐसा नहीं था कि प्री प्लान्ड था कि हम लोग यहाँ लेकर ही आए थे। उसके बावजूद भी जो इस सेंटर की मेंटेनेंस है जो साफ़ सफाई है और जो स्टाफ की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक थी और जो उनका बिहेवियर है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग चाह रहे हैं कि लोग आगे आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करें तो उसके लिए एक बेसिक नेसेसिटी हो जाती है कि जो भी जिसकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है वो कर्टियस रहे सामने वाले के प्रति और उनको गाइड करे उनको बताए उनको समझाए तो उस तरीके का जो स्टाफ का बिहेवियर था वो यहाँ पे था वो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है। जो इस फ्रिज में अपन रखते हैं ये बिना प्रोसेस किया हुआ दूध है ये 72 आवर्स तक रह सकता है और प्रोसेस किया हुआ दूध है वो इस फ्रिज में रहता है ये 6 महीने तक रहता है। जिला चिकित्सालय में जो स्तनपान प्रबंधन केंद्र हमारा बना हुआ है जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सबसे खूबसूरत कोना है आप कह सकते हैं बहुत मेंटेन्ड है। यहाँ पर विश्व स्तनपान सप्ताह के आयोजन हमने शुरू किए थे 1 अगस्त से
क्योंकि इसका इनॉग्रेशन हमने किया था और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये स्तनपान सप्ताह हमने मनाया, जिसमें हमने विभिन्न कार्यक्रम किए। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ANM JNM ट्रेनीज जो बच्चे हैं उनके साथ हमने पोस्टर्स कॉम्पिटिशन और एसे राइटिंग, क्विज कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, इस तरह के कुछ हमने कॉम्पिटिशन किए थे उन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए। जैसे आज हमारा समापन समारोह था तो प्रोत्साहन के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को इनवाइट किया था और उनसे उन इन बच्चों को सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी दिलवाई। इसी के तहत हमने आशाओं की वर्कशॉप की थी, यशोदाओं की वर्कशॉप की थी और कम्युनिटी विजिट भी की थी। थैंक यू। स्तनपान सप्ताह के हर साल मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसमें ये मेन मोटो यही रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाना होता है, स्तनपान को, मतलब हर माँ को, माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराए उसका एक प्रोत्साहन जरूरी है। इसमें क्या है कि एक वो रहता है कि भाई हमारे 7 दिन की एक्टिविटी रहती है, जैसे मैडम ने बताया है उसमें हर दिन एक अलग अलग एक्टिविटी रहती है, पर मेन उद्देश्य यही रहता है कि अपने भाई स्तनपान को